हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो शेयर करने जा रही हूँ मैं मोगरा प्लांट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यही है, मोगरे का जो प्लांट है आप इसको किस तरह से प्रूनिंग करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फूल ले सकते हैं, और इसका प्रूनिंग जो है वो हमें कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न आ चुका है और मोगरे में इस समय बहुत ही ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, तो आप अभी भी टाइम है, मोगरे की कटिंग आप कर सकते हैं। और इसी समय अगर आप लेट भी हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी आप मोगरे की कटिंग कर सकते हैं, और आपके मोगरे में फिर जितनी नई नई ब्रांचेस आएगी उसमें आपके मोगरे में ढेर सारे फ्लावर्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी मेरे मोगरे में कटिंग किया है, हफ्ते भर का टाइम लगभग नहीं हुआ है, 5-6 दिन हुआ है। तो मैंने कुछ इसी तरह अपने मोगरे की कटिंग कर दिया है और उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है, वैसे के वैसे हैं। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा खाद और मिट्टी ऐड करूँगी ताकि जो नई ब्रांचेस आ रही हैं मेरे मोगरे में उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और अच्छे से नई नई ब्रांचेस आएगी तो फूल भी इसमें ढेरों आएंगे। तो देखिए, मेरे मोगरे की जो कटिंग होने के बाद इसमें आप हल लीव्स पे ये देखिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से ये नए नए जो इसके ब्रांचेस हैं वो आना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, आप जितनी नई ब्रांच आएगी उतना फूल आपका ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर आपके मोगरे की जो कटिंग है उसको भी आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, और इसमें भी जैसे लगी जाएगी, मैंने इसको थोड़े दिन और पहले इसकी कटिंग काट लिए थे, इतनी थोड़ी सी, और काट के मैंने लगा लिए थे। तो आप देखिए कि मेरी जो ये मोगरे की कटिंग है वो 6 कटिंग मैंने लगाई थी और 6 के 6 पूरी सक्सेस हो चुकी हैं अच्छे से, देखिए आप। और देखिए, इसमें अच्छी तरह से ये मेरी कटिंग लग चुकी है अभी। तो अभी भी समय है, आप जिस भी प्लांट को अगर कट करते हैं तो आप उसकी ब्रांचेस लगा लीजिएगा, जो भी लगेगा वो आपका और नया प्लांट भी बन जाएगा। तो मेरा ये पुराना प्लांट है और इतने मेरे नए प्लांट और हो गए मोगरे के, और अभी जो मैंने इसकी जो प्रूनिंग की है वो भी सारी कटिंग मैंने लगा लिए हैं ताकि उसमें से भी मुझे और प्लांट मिल जाएगा। देखिए मेरे मोगरे का ये कितना अच्छे से नया नए कोपले आ रही है, इसमें देखिए आप स्टार्ट हो चुका है, और ये एक नहीं है फ्रेंड्स, ये ढेर सारे हैं। कम से कम इसमें मैंने 5-6 कटिंग इस साथ लगाई थी, तो दो सभी एक ही साथ रखी हैं, अभी मैंने उसको निकाली नहीं है। और देखिए, नीचे से भी उसके शूट्स आ रहे हैं, पूरे मोगरे में आ रही है, नीचे से लेके ऊपर तक में। तो अभी मेरा मोगरा जो है वो भूसी हो जाएगा, जितना भूसी होगा उतना ही ज़्यादा फ्लावर्स इसमें आएगा। तो देखिए मेरे मोगरे की कंडीशन कितना अच्छा है, अभी कुछ दिया नहीं है फिर भी बढ़िया है, और क्योंकि कटिंग करने के बाद उसको खाद और मिट्टी जो भी आपको देना है वो आपको देना जरूरी है ताकि आपके जो प्लांट हैं वो और थोड़ा हेल्दी हो जाएं और अच्छे से फ्लावर्स। कटिंग की बात की जाए तो कटिंग भी लग जाएगी, अच्छे से लग जाएगी आपकी कटिंग, क्योंकि मुझे और कटिंग बनाना था तो मैंने थोड़े दिन पहले ही इसकी कटिंग काट के मैंने लगा लिए थे, क्योंकि और भी मुझे गिफ्ट भी करनी थी तो मैंने जितनी बने उतनी हो सके उतना मैंने कटिंग अभी भी इसके लगा लिया है, तो होने से मैं गिफ्ट कर सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी कटिंग कितनी अच्छी है, और
हेल्दी लग रही हैं। अभी धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं। मैंने छोटे छोटे डिब्बे में लगा लिया था इसको, तो देखिए अभी भी कटिंग आप किसी भी प्लांट का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे मोगरे के प्लांट को मैंने प्रूनिंग कर दिया है और इसका समय आ रहा है फूल खिलने का। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था थोड़ा सा मोगरे प्लांट के बारे में जानकारी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।